आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक बजाज जी, जो एक प्रोड्यूसर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। इनको कुछ भी कह लें, सभी एक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इसमें बनी हुई है। जी हाँ, दीपक बजाज जी बता दें कि ये उन लोगों को मंच प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर डांसिंग की कोई कला हो, सिंगिंग की दुनिया की कला हो, या फिर एक्टर बनने की जो चाह देखती हो, ये उन सबको एक मंच प्रदान करते हैं अपने शो के माध्यम से। हर साल ये दो तीन हर तरह के शो करते हैं, सिंगिंग के, डांसिंग के, एक्टिंग के, मॉडलिंग के। तो 2019 नया साल आ गया है, जैसे कि आपको पता ही है। तो 2019 में ये क्या नया लेके आए हैं सभी बच्चों के लिए, सभी उन लोगों के लिए जिनके अंदर वाकई में कुछ कला है, कुछ बनने की कुछ कला है और कुछ बनना चाहते हैं, तो इनसे हम जानते हैं। सर, सबसे पहले बात करूँगा आपकी, जिस तरीके से आप खुद ही सब कुछ हैं, सब में बिल्ट है, एक्टर भी कह लो, प्रोड्यूसर भी कह लो, कास्टिंग डायरेक्टर भी कह लो, पहले आप इनके बारे में कुछ बताएं। पहले तो मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और राइट वे फिल्म्स की तरफ से मैं दीपक बजाज एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ 2019 की। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी आर्टिस्ट इस लाइन बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको अच्छे से अच्छा काम प्रोवाइड किया जाए, उन और जिसमें टैलेंट है, जिन लोगों में टैलेंट है और डिज़र्व करते हैं जो, उन्हें एक अच्छा स्टेज प्रोवाइड करवाए। और मेरी कोशिश हमेशा यही है कि मैं आप सभी को, जितने भी इस फील्ड में आना चाहते हैं और जिसके अंदर टैलेंट है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूं। सर, 2019 में किस तरीके से आप उन सभी के लिए एक मंच लेके आएंगे, किस तरीके से बड़े पर्दे पे एक शो लेके आएंगे ताकि उन सबको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए? अगर मैं डांसिंग की बात करूं, सिंगिंग की बात करूं, एक्टिंग मॉडलिंग की बात करूं। देखिए, मेरा एक अपना दिल्ली आइडल शो तो आप जानते ही हैं, मैं कर ही रहा हूं। और बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2019 में मैं कुछ अपने ही दो तीन प्रोजेक्ट ऐसे स्टार्ट करूं जिससे कि कम से कम दिल्ली के आर्टिस्टों को और जो भी अदर स्टेट्स हैं उनको काम मिल सके, ताकि उन्हें कहीं धक्के खाने ना जाना पड़े, मुंबई ना जाना पड़े। क्योंकि हमारी ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट जब एक नया फ्रेशर आर्टिस्ट इस लाइन में आता है तो उसके जहन में सिर्फ एक मुंबई का ही नक्शा उसके माइंड में, जहन में आ जाता है, तो वो मुंबई की तरफ ही भागता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ वर्क डिवाइड होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली भी एक उभर के आए, यहाँ के कलाकार और इतना टैलेंट जो यहाँ के आर्टिस्टों में भरा हुआ है, उन्हें यहीं काम मिले, दिल्ली में काम मिले। इसके लिए मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि 2019 में अपने ही दो तीन प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ ताकि अच्छे आर्टिस्टों को यहीं काम मिल सके। सर, जैसा कि हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप शो करते आए हैं और हर साल दो तीन शो करते हैं, ग्राउंड लेवल में अभी तक आप शो कर रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमें जो पता चला है कि आप एक बड़े पर्दे पे शो लेके आने वाले हैं, टीवी सीरियल रियलिटी शो आप करने वाले हैं, तो उसकी तैयारी अभी तक कहाँ तक आप पहुँच चुकी है और किस तरीके से सिलेक्शन आप वहाँ पे जो भी आया है ऑडिशन उसके आप लेते हैं, तो किस तरीके से सिलेक्शन आप कर रहे हैं सबका? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरी कोशिश पूरी है और मेरी बात भी चल रही है चैनल के साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपने इन प्रोजेक्ट्स को दुनिया के सामने, लोगों के सामने ला सकूं और अच्छे आर्टिस्टों को काम दे सकूं। तो सिलेक्शन कैसे उनका करेंगे, कैसे आप चेंज करते होंगे, किस तरीके से खूबी उनके अंदर आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में छोटे बच्चे में भी ब्लड में ही एक्ट बढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बच्चों में भी, और आप देखते हैं कि किस तरह से वो एक्ट करते हैं जो शायद बड़े लोग भी नहीं कर पाते। तो मैं सोचता हूँ कि इन्हें पुशअप किया जाए, इन्हें रास्ता दिया जाए, तो ये आगे चल के बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, अपने मुकाम पे पहुँच सकते हैं। देखिए दीपक बजाज जी, मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि आज के टाइम में जो फैशन इंडस्ट्री है, इसमें ऐसे लोग भी आ चुके हैं जिसमें बच्चों में कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी उनको वो ले लेते हैं, एक पैसा कमाने की तरकीब कह लें या एक धंधा कह लें। तो अभी मैंने आपसे बात की थी कि सर आप किस तरीके से चयन कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी हम शो देखते हैं आप उन बच्चों को छांट के लेके आते हैं अपने शो में, चाहे भले 10 बंदे हो, वो छांटे हो जिनके अंदर वाकई में कुछ हो। देखिए, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि इस लाइन में फ्रॉड बहुत है, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, पर देखिए ये कहाँ नहीं होता, हर जगह ये चीज़ है। और देखो, टैलेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी में कम है या किसी में ज़्यादा है, आपका रेस तो हर किसी ने दौड़ना है पर जीतना तो एक ही नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो विन है
जो अच्छा करेगा वही विन है, तो आगे उसी ने बढ़ना जो मेहनत करेगा और इस अपना लाइन पे सर अपना दिमाग अपना फोकस रखेगा आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करेगा वही आगे बढ़ सकता है। जाते जाते सभी के लिए, अपने सभी स्पॉन्सर के लिए, सभी अपने जो आपके लिए जुड़े हैं आपकी इस शो के साथ, उन सब के लिए क्या मैसेज आएगा नए साल के ऊपर? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आप सब से कि मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं 2019 के लिए। आप सब आगे बढ़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दीपक बजाज जी, एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट भी हैं ये साथ साथ। इन्होंने 2019 के लिए सभी को एक प्यार भरा संदेश दिया है और कहा है कि जल्दी ही एक बड़े पर्दे पे अपना शो लाने वाले हैं दिल्ली आइडल, जो कि अभी तक ग्राउंड लेवल पे होता आया था। अब ये टीवी के लिए बात कर रहे हैं ताकि जो इनके साथ जुड़े हैं, जो भी बच्चे जिनके अंदर कुछ कला है, उनको एक बड़ा मंच मिल सके ताकि वो बहुत जल्दी अपने हुनर को आगे टीवी पे दिखा सके, दुनिया के सामने ला सके। कैमरामैन शर्मा के साथ जितेश, न्यूज़ दिल्ली।